तो आज के हमारे इस क्लास में हम कोई किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला से कि कुछ ये मतलब ये लॉजिकल फॉर्मूला मतलब इफ एंड और जो होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो जनरली हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर हमें रियल लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इसका मतलब कि आपने इफ के ऊपर अच्छी खासी कमांड कर ली है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन समझाते हैं। हम 10 क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन जो है अगले क्लासेस में बताएंगे। तो यहां आपके सामने पहला है कि यहां पे कुछ नेम्स और क्वांटिटी दिया गया है, मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन कैलकुलेट करने का यहां पे दिया कंडीशंस कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन कमीशन क्वांटिटी मल्टी कमीशन इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। मतलब कि हमें इसमें मल्टीप्लाई बाय 40 करना है क्वांटिटी में, लेकिन कब, जब क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 होगा तो। और इसको आप इफ फॉर्मूला से करना है और विदाउट इफ फॉर्मूला भी ट्राई करना है। अब इफ फॉर्मूला तो चलिए नॉर्मल है, लेकिन विदाउट इफ फॉर्मूला किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि क्या इसको इफ के साथ ही किया जा सकता है या बगैर इफ के भी किया जा सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो तो रिजल्ट पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे डिस्टेंस देना है लोकल या स्टडी। तो अगर मैंने अगर एरिया तभी स्टडी होगा जब ग्रेटर देन 200 डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे यहां पे टैक्स कैलकुलेट करनी है। टैक्स के मेरे पास 2 रेट है, 12% एंड 5%। तो 12% मुझे तब देना है जब एमआरपी ग्रेटर देन 500 हो, अदरवाइज 5% देना है। क्वांटिटी यहां पे देखिए, अगर क्वेश्चन 5 में है कि टाइम जो है अगर 10 बजे रात से ऊपर की है तो एनटी, अदरवाइज ओटी देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे यहां 5 सब्जेक्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। 5 सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे पास और फेल देना है। यह कंडीशन में लिख रखा है कि इफ सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 5 हैव ए मोर देन 33 देन रिजल्ट शो पास अदरवाइज फेल। मतलब हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर अगर किसी ने स्कोर किया है तो पास है, अदरवाइज फेल है। इसमें आप एंड यूज कर सकते हैं और विदाउट एंड यूज करके नेस्टेड इफ से भी ला सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने टॉपिक में आपको कराए हुए हैं। महेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़े तो यहां मुझे ग्रेडिंग सिस्टम देना है। अगर लेस देन 40 है तो सी ग्रेड, 40 टू 60 है तो बी ग्रेड, 60 टू 90 है तो ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 है तो यहां पे आना चाहिए ए प्लस। ठीक है, ए प्लस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में है मुझे सेम इंसेंटिव देना है, लेकिन मुझे इस स्लैब के ऊपर इंसेंटिव देना है और एक और एड ऑन इंसेंटिव इसके ऊपर है। 82,595 हुआ तो 800 इस कॉलम में आना चाहिए और बाकी स्लैब बाय इंसेंटिव जो है इस कॉलम में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है कि मुझे यहाँ पे ओके और पेंडिंग शो करना है। ये भी कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि अगर पैन जो है वाई है और इसके अलावा इसमें किसी में एक वाई है तो यहाँ पे ओके आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ कि पैन इक्वल टू वाई रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑल हैव एनी वन वाई देन शो ओके अदरवाइज पेंडिंग।
अब 9 क्वेश्चन तो ठीक है, अगर आपने 10वां क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब है कि आपने सच में इफ को अच्छा तरह से कर लिया। अब 10वां क्वेश्चन अगर सीख जाते हैं तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन, आप बिजली बिल का कैलकुलेशन ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये स्लैब वाइज है। जैसे बिजली का बिल आप लोगों के पास आता है तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो उनका कुछ स्लैब होता है, जैसे कि 200 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट के बाद ज्यादा है, या बाकी जगहों पे भी होता है कि आपने अगर 0 to 100 यूनिट आपके पास आया है तो आपको जो है 3 रुपये 45 पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने आपका 100 से 200 है तो आपको जो है मान लीजिए 4 रुपया 25 पैसा पे करना है, आपका 200 से 400 है तो आपको 5 रुपये 33 पैसे पे करना है। अब मान लीजिए कि आपके बिजली बिल 240 आया है तो कितना आना चाहिए, क्या कितना बिल आना चाहिए? 240 आपका आया है तो ऐसा थोड़ी है कि आप 240 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5.33, तो गलत होगा ना सर, क्योंकि इसमें जो है आपका 100 रुपये कितना है, 3 रुपये 45 के हिसाब से है, फिर 100 आपको 4 रुपये 25 के हिसाब से है, और 40 जो है 5 रुपये 33 रुपये के हिसाब से है। क्या सर समझे? तो सेम कैलकुलेशन यहां है कि यहां पे हमने आपको दिया हुआ है कि यहां 0 to 40 हुआ तो 20 रुपये पर यूनिट होगा, 41 से 80 हुआ तो 60 रुपये पर यूनिट हुआ, 81 से 100 में 80 रुपये पर यूनिट, ग्रेटर देन 100 में 100 रुपीज पर यूनिट। एग्जाम्पल बताया हुआ है कि अगर 35 आया तो 35 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 आया मतलब कि 40 जो है 20 के हिसाब से, इसे 40 में मल्टीप्लाई हमने 20 कर दिया, प्लस 5 को, 5 जो है हमारा 60 के हिसाब से है तो 5 हमने 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल भी है और साथ में मैंने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ भी है, आप इसको भी समझ सकते हैं। 11 नंबर जो है वो हम कराएंगे जब 10 तक आप कर लेंगे तब। तो ये फाइल मैं भेज दूं आप लोगों को व्हाट्सएप में, भेज दीजिए सर। ठीक चलिए चलिए, तो मैं अब जो है आप इसकी बैठ के आराम से बनाए और बना के फाइल दे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों से मान लीजिए नहीं बनता है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने की फाइल जरूर भेजें मुझे, ठीक है? ये टेक्स्ट, ये टेस्ट जो मैंने आपको लिया है, ये मत समझिए कि ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है कि मैंने जो इतनी क्लासेस आपको दी उसमें आपने सीखा क्या क्या है, ठीक है? ठीक ताकि है, हम आगे की चीजें डिजाइन कर सकें, क्योंकि आगे जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड इफ बताऊंगा उसमें कई सारे चीजें फॉर्मूला ऐड करूंगा तो तभी समझ में आएगा जब आप इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं।